एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों चर्चा में हैं। अदाकारा की सुर्खियां बटोरने की वजह उनका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रवीना के साथ कुछ लोग बहस और धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस पर ये आरोप भी लगाया गया है कि उनके ड्राइवर के द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं और दोनों पक्षों द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। बता दें कि डीसीपी राज तिलक ने ये कहा कि एक शादी फंक्शन के बाद एक बुजुर्ग महिला अपने घर की तरफ जा रही थी। उसी वक्त रवीना टंडन जिस कार में बैठी थी उस कार को ड्राइवर पीछे की ओर ले जाना चाह रहा था और ऐसे में महिला अपनी गलती के चलते कार से टकरा गई। इस घटना के बाद बुजुर्ग महिला ने नाराज होकर रवीना के ड्राइवर से पूछा कि क्या वो कार उस पर चढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद एक्ट्रेस के ड्राइवर और बुजुर्ग महिला के बीच बहस होने लगी। दोनों पक्ष शिकायत करने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के द्वारा ये फैसला लिया गया कि उन्हें शिकायत नहीं लिखवानी है। गौरतलब है कि पुलिस ने अपनी जांच में इन सभी दावों को गलत बताया है, साथ ही दोनों पक्षों के द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। इस मामले को लेकर रवीना टंडन की तरफ से भी पूरा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसके बाद ये बात साफ हो गई कि बुजुर्ग महिला को टक्कर जानबूझकर नहीं मारी गई थी।